जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे से लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वो जो भी चाहें उन्हें जरूर मिले, उन्हें उनका प्यार, परिवार, उनके करियर में ढेर सारी सक्सेस उन्हें जरूर मिले। तो डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबका फेवरेट टॉपिक है कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, करवट लेने वाली है। ये पॉजिटिव सा टॉपिक हमें मेडिटेशन करते वक्त मम्मा ने सजेस्ट किया, मम्मा मतलब भगवती ने सजेस्ट किया कि हमने इस मंथ कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं की है गॉड गाइडेंस के अलावा, तो अब हमें ये करनी चाहिए। सही टॉपिक है ना? तो चलिए जल्दी से ऑप्शन चूज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एक ऑप्शन चूज करिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर फिर अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से वो मैच नहीं होती तो दूसरा पाइल भी सुन लेना, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हम ऋषिकेश से अपनी साधना पूर्ण करके, अपना अनुष्ठान पूर्ण करके आ चुके हैं। आपको पता है गुप्त नवरात्रि से 2 दिन पहले ही हमने अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। हमें पता नहीं था कि 11 से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, इस वजह से हमारा अनुष्ठान नवरात्रि पूर्ण होने से पहले ही पूर्ण हो चुका था। और हम हवन करके, अपनी साधना पूर्ण करके वापस आ चुके हैं, तो अब आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? पहले स्माइल करिए, बड़ी सी और बड़ी सी, थोड़ी और बड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं कि सच में हम पागल हो रहे हैं। तो पता नहीं आपको कैसा फील होगा, हमें बहुत सारी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है हम आपको बता नहीं सकते। तो आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस मंथ? बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं ईश्वर? तो डियर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी जो सेपरेट हैं फैमिली की वजह से, जो सेपरेट हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। और वो थर्ड पार्टी बड़ी ही खतरनाक थी, जिसने हमें ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव सा आपके पर्सन के ऊपर करवा रखा था, कुछ नेगेटिव सा, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें। लेकिन आपको पता है जीत हमेशा प्यार की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, बुराई हमेशा हारती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। तो आज यहाँ पर आपका प्यार जीत चुका है, तो आपको बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आपके पर्सन ये कहने वाले हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुमसे दूर क्यों हो रहा था, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अब मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा है। आपको पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप अपने पर्सन को हील कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग चुप तो नहीं बैठे हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया था कि उनके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, उनकी फैमिली ज़बरदस्ती उनकी शादी किसी और से करवाने के लिए आपके पास आपके पर्सन ना आए, उन्हें रोकने के लिए इस हद तक गिर सकती है, वो थर्ड पार्टी इस हद तक गिर सकती है, तो आपने भी ईश्वर से भरोसा ख़त्म नहीं किया था, आपने भी चुप्पी नहीं साधी थी, आप भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। आपने ज़रूर अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर हील किया है, ज़रूर ईश्वर का चमत्कार हुआ है। अब आपको बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाला है। जी हाँ, किंग ऑफ कप्स, वो सुनहरे पल जिनका आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जिस दिन की आप इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दिन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है।
अभी हमें आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर पर फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ था, तो अब वो स्वतंत्र हो रहे हैं, धीरे धीरे हील हो रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी रिकवरी हो रही है, उनकी रिकवरी हो रही है और वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। बहुत जल्द देखना उनका कॉल या मैसेज आने वाला है आपके पास, और जैसे ही उनका कॉल मैसेज आएगा आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, वो एहसास होगा, हो सकता है कि खुशी के मारे आपके आंसू निकल पड़े, खुशी के मारे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। कैसे नहीं होता, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी दुआओं में इतना असर जो था, आपके प्यार में इतनी सच्चाई जो थी, ईश्वर कैसे उसे आपके पास लेकर नहीं आते। वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है और यही वो गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है। अगर आप मैरिड है ना और आपके पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा अपनी फैमिली की साइड लेते थे, हमेशा फैमिली का सपोर्ट करते थे, तो अब आपके पर्सन आपका सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी साइड रहेंगे। उनकी फैमिली गलत कर रही थी हमेशा, आप ये बात उन्हें समझाने की कोशिश करते थे लेकिन वो उल्टा आपको ही सुनाते थे, तो बहुत जल्द आपके पर्सन के अंदर परिवर्तन आने वाला है। अभी तक वो आपके प्यार को नहीं समझते थे, तो बहुत जल्द वो आपके प्यार को समझने वाले हैं, समझ रहे हैं, और आपको आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक पावर मिलेगी। क्या होता है ना, जो हमारा हम सफ़र होता है, अगर वो सिर्फ हमारा साथ दे, बाकी पूरी दुनिया हमारे खिलाफ़ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी हिम्मत बनी रहती है, हम कभी टूटते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा हम सफ़र हमारे साथ ना हो, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ हो, तो हम अंदर ही अंदर कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो डियर, अब आपके पर्सन का सपोर्ट, प्यार, सब कुछ आपको मिलेगा। सही तो होता है ये प्यार का रिश्ता, यहाँ पर गिरते संभलते रहते हैं, गिरते संभलते रहते हैं। इस हिसाब से एक प्यारा सा सॉन्ग याद आया है, चलिए आंखें बंद करिए, हम सुना देते हैं। हम कोई कार्ड खोलकर सफल तो कर नहीं रहे हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा अब कौन सा कार्ड आया, अच्छा अब कौन सा कार्ड आया। ऑडियो चल रहा है, आंखें बंद कर लीजिए, क्या जाता है महसूस करिए, आंखें बंद करिए, हम आपको प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं। ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये ना जाने इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये प्यार का सफ़र ऐसे होता है, ये सफ़र प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल, राह कैसी भी हो शौक से गुजरना चाहिए, तभी तो किस्मत आपका साथ देती है, तभी तो परमात्मा आपका साथ देते हैं। अगर आप नेगेटिव परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, डर कर एक जगह बैठ जाते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हाथ से निकल जाता है। हिम्मत करिए, साहस करिए, आगे बढ़िए, परमात्मा हमेशा आपके साथ है, और परमात्मा भी, ईश्वर भी, एंजल्स भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जो किसी पर क्रश रखते हैं, हाँ, या फिर बिल्कुल सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में कोई आने वाला है, या फिर अगर आप किसी पर क्रश रखते हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था आपको, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो अब वो आपको प्रपोज करने वाला है अपनी तरफ से, समझ रहे हैं, अपनी तरफ से वो आपको प्रपोज करने वाला है।
ऐसा नहीं है कि आपको देखकर उसका दिल नहीं धड़कता, उसका भी दिल धड़कता है, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। ये पर्सन छुपाने में एक्सपर्ट है, लेकिन कब तक छुपा सकेगा? पेट में दर्द हो जाएगा, कितना छुपाएगा बातों को, कितना छुपाएगा फीलिंग्स को? ज़्यादा नहीं छुपा पाएगा, बहुत जल्द ये आपके सामने अपने प्यार का इजहार करने वाला है, बहुत जल्द ये आपके सामने अपने दिल की सारी बात कहने वाला है। क्योंकि डियर, आप उनकी धड़कनें दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं, अब बहुत समय तक वो इंतज़ार नहीं कर सकते। पहले इन्हें लग रहा था कि आप प्रपोज करें, पहले इन्हें लग रहा था कि आप पहल करें, आप स्टार्ट करें, लेकिन अब इन्हें लगता है कि आप तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो इन्हीं को करना पड़ेगा। और हमें एक प्यारा सा सॉन्ग याद आ रहा है, चलिए सुना देते हैं। आज हम बहुत खुश हैं, मस्ती के मूड में हैं, इस वजह से, ठीक है। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मज़ा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। समझ रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं आपके लिए उनके मन में, पर बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत जल्द बताने वाले हैं। चलो जल्दी से रिश्वत दे दो, और अपनी कंडीशन भी बताना कि आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे थे, कि क्रश की तरफ से क्या रिस्पांस मिलने वाला है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो डियर, कुछ लोगों को हम ये भी कहेंगे कि अगर आप ये रीडिंग अपने करियर के लिए देख रहे हैं ना, और करियर कहीं जाने से रिलेटेड है, या फिर कोई लेटर पैड आने से रिलेटेड है, समझ रहे हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था, आपको ऐसा लग रहा था कि उधर से पता नहीं क्या रिस्पांस होगा, पता नहीं आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी, तो अब आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, कि करियर में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये समझ लीजिए। अगर आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं ना, तो प्रमोशन तो नहीं होगा, लेकिन सुधार होगा। समझ रहे हैं, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर कुछ न्यू होने वाला है, कुछ न्यू क्रिएट होने वाला है, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा है। हो सकता है कि आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जाए, हो सकता है कि आपको कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, समझ रहे हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। कहीं जाना चाहते हैं कुछ लोग, कहीं दूर घूमने जाना चाहते हैं, बहुत समय से शायद उस वहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोग अदर कंट्री जाना चाहते हों, कुछ लोग कहीं घूमने जाना चाहते हों, किसी ट्रिप पर जाना चाहते हों, कुछ लोग कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, जैसे केदारनाथ जाना चाहते हैं, वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऋषिकेश ही आना चाहते हैं, नीलकंठ जी के दर्शन करना चाहते हैं। कहीं पर भी अगर आप जाना चाहते थे, जर्नी से रिलेटेड है, और आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बार बार आपकी तैयारी कैंसिल हो रही थी, आपका प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा था, तो बहुत जल्द आप वहाँ जाने वाले हैं। कैसे हमें नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द कहीं ना कहीं से आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि अब आप वहाँ जा सकेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं उन लोगों की जो इस वक्त बहुत हताश हैं, निराश हैं, ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ, अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो हम उनसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पास्ट में आपने नेगेटिव सोचा था, तो प्रेजेंट में आपने ये पाया। कुछ लोगों का रिश्ता बहुत पॉजिटिव होता है, रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी उसमें वो नेगेटिविटी ले ही आते हैं। कैसे? नेगेटिव बातें कर करके, कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या, बार बार शक भरी बातें और नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो प्लीज़ ना नेगेटिव चीज़ें देखिए, ना नेगेटिव बातें करिए, ना नेगेटिव चीज़ें सुनिए, कुछ भी नेगेटिव मत करिए, वरना वो मैनिफेस्ट होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अंदर से हार गए हैं,
तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है। पास्ट में आपने बुरा किया, बुरा सोचा, तो प्रेजेंट में आपको ये मिला, लेकिन प्रेजेंट अभी आपके हाथ में है, उसे सुधार लीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक शुभ आरंभ हो सकता है। जिसकी आपने उम्मीद खो दी है वो आपको मिल सकता है। अभी भी उम्मीदें हैं, पॉजिटिव हो जाइए, खुश हो जाइए। जिस चीज़ की आपने उम्मीद खो दी है, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी हो, जिसके लिए भी आप होपलेस हो गए हैं, हार मान ली है आपने, तो हार मत मानिए, हार मत मानिए। अभी भी उसमें उम्मीद बाकी है और अभी भी बहुत कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। तो उम्मीद मत हारिए, प्लीज़ खुद को रिकवर करिए, प्लीज़ खुद को हील करिए, खुद को पॉजिटिव करिए और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए। सक्सेस बहुत जल्द आपको मिलेगी, ठीक है। आपकी किस्मत आपके हिसाब से बदलेगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद को भी बदलना होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहते रहते हैं और हम लोग दूसरों की परवाह करते रहते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं, तो उनकी परवाह नहीं करनी है। कहते हैं ना, हाथी चले 20 बाजार, कुत्ते भौंके 10,000। ये हमने अपनी तरफ से बनाया है कि 10,000। लोग कहते हैं ना, कुत्ते भौंके 1,000, हम कहते हैं 10,000 कुत्ते भौंक रहे हैं। लेकिन हाथी को अपनी मस्ती नहीं छोड़नी है, अपनी मस्ती नहीं ख़त्म करनी है। उन्हें भौंकने दीजिए, आप अपनी मस्ती में रहिए। कब तक भौंकेंगे? एक दिन चुप हो जाएंगे, भौंकते भौंकते गला भी दर्द होने लगता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए स्माइल करिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है इस मंथ। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके रिश्ते की, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, शायद उनका कोर्ट में केस चल रहा है। आपके अंदर बार बार ये ख्याल आता है कि क्या होगा, इस नेगेटिव रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे प्यार तो बहुत होता है, लगाव तो बहुत होता है, पर उनके साथ रहना इतना मुश्किल हो जाता है कि बस बात डाइवोर्स तक पहुँच जाती है। कोई खुशी खुशी डाइवोर्स नहीं लेता है, लेकिन अगर आप डाइवोर्स नहीं लेंगे, अगर आप उस इंसान से अलग नहीं होंगे, तो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डियर, अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है, समझ रहे हैं, वो केस आप जीतने वाले हैं। ये कोई भी केस हो सकता है, किसी भी तरह का केस हो सकता है। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई केस चल रहा है, किसी भी तरह का, तो उसमें आपकी जीत पक्की है। आप बहुत जल्द स्वतंत्र हो सकेंगे, आप बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में चैन की सांस ले सकेंगे। लेकिन हाँ, आप बिखर जाएंगे, उससे अलग होते ही आप बिखर भी जाएंगे, क्योंकि पता है, कार्मिक लोगों से भी लगाव हो जाता है। इतने साल जिस इंसान के साथ रहे हों, कहते हैं लगाव तो जानवरों से भी हो जाता है, फिर वो तो इंसान है। भले ही उसने आपको ना चाहा हो, भले ही उसने हमेशा आपके साथ अत्याचार किया हो, लेकिन आपने तो उसे दिल से चाहा है ना। डिवोर्स लेना मजबूरी है, आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, पर टेंशन मत लीजिए, आपको संभालने वाला ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में पहले ही भेज दिया है। अगर अब तक वो आपको नहीं मिला है, तो बहुत जल्द वो आपको मिल जाएगा। वो आपको बिखरने नहीं देगा, उसके साथ आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग भी हो जाएगी। इस तरह से आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी। और आपको पता है, वो बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके साथ हो सकता है कि आपका एज डिफरेंस इशू हो। कुछ लोग शायद जानते भी हैं इसे, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या आप अपने हस्बैंड से, वाइफ से, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं और आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है और वो आपकी बहुत केयर करता है, आप उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो आपका सोलमेट है, वो आपके लिए बना है, उसे एंजल्स आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, वो आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार देगा, बहुत सम्मान देगा आपको, वो लिखा ही था आपके भाग्य में। ये जो रिलेशनशिप आपको मिला, इतनी नेगेटिविटी, इतना पेन जो आपको मिला, वो कहीं ना कहीं आपका एक कार्मिक बर्डन था, आपका कर्मा था, समझ रहे हैं, इस वजह से ही वो आपको इतनी तकलीफें दे रहा था। तो अब उससे मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, खुशियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। देखिए, ऐसा मत करना कि आप उस इंसान का हाथ तो थाम लो, लेकिन आप हमेशा पास्ट में जियो कि आपने डिवोर्स ले लिया, आपने उससे मूव ऑन कर लिया। आप बार बार अपने न्यू पर्सन से बोलो कि वो ऐसा था, वो वैसा था, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना, फिर फ्यूचर में उसे मत घसीटना, वरना फ्यूचर खराब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं, अपने एक्स की बातें करते रहते हैं अपने करंट पार्टनर से, वो ऐसा था, वो वैसा था, उसने ये किया, कुछ उसकी अच्छी बातें, कुछ उसकी बुरी बातें, क्यों करते हैं आप? आप प्रेजेंट में जियो ना, जो आपका करंट लाइफ पार्टनर है उसके साथ जियो ना, उस पास्ट की बातें क्यों करनी? आपको पता है सामने वाला सुन तो रहा होता है, पर उसे अंदर ही अंदर जलसी हो रही होती है, उसे अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही होती है कि ये है तो मेरे साथ, लेकिन इसका दिल आज भी पास्ट में रखा हुआ है, ये आज भी पीछे अपनी पिछली ज़िंदगी को ही जी रहा है, ये आज भी वहाँ से निकल नहीं पाया, ये आज भी उस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाया, ये आज भी मेरे साथ नहीं है, कहने को मेरे साथ है लेकिन अभी भी ये पास्ट में है। तो ऐसा सामने वाले को फील मत कराना कभी भी। और अगर ऐसा है अभी आपकी लाइफ में, कोई है आपका हाथ थामने वाला, कोई है आपका सपोर्ट करने वाला, आपको खुशियां देने वाला, तो उसके सामने कभी भी अपने पास्ट का कोई जिक्र मत करना। अगर वो करता भी है तो बोलिए कि छोड़ो ना, आज में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, इस तरह की बात करना, क्योंकि वो आपका सोलमेट है, वो आपका ट्रू लव है, वो आपका सच्चा प्यार है, और बहुत जल्द देखना वो आपको कमिटमेंट देगा, वो आपसे शादी भी करेगा, खिलवाड़ करने के लिए ज़िंदगी में नहीं आया आपके, समझ रहे हैं? बस आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को एक गुड न्यूज़ ये मिलने वाली है कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अच्छा सा मकान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अच्छी सी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा सा बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डियर बहुत जल्द आपका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। आप जिसे पाना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आपकी ये विश बहुत जल्द ईश्वर पूरी करने वाले हैं, अभी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग इंसान हैं और वो भगवान हैं। इंसान की पहचान क्या है कि वो हर काम गलत टाइम पर करता है, हर काम गलत टाइम पर करता है, और फिर उसे सफलता नहीं मिलती तो वो रोता है, वो कहता है हे प्रभु, हे ईश्वर, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन जो भगवान होते हैं ना, जो एंजल्स होते हैं, जो हमारे गॉड होते हैं, वो हर काम परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से करते हैं, सही समय आने पर करते हैं, समझ रहे हैं? तो बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी कि आप जो पाना चाहते थे ना, वो समझ लीजिए आपको मिल गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे बंधन हैं, आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, आप जॉब करना चाहते हो, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो मैरिड होते हैं, जैसे कि आप फीमेल हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके ससुराल वाले हैं, वो आपको स्वतंत्रता नहीं देते, आप बहुत ज़्यादा बंधा बंधा सा महसूस करते हैं, अपने हिसाब की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो भी आपके पेरेंट्स को स्वतंत्रता नहीं देते, फ्रीडम नहीं देते, आपका दम घुटता है, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली वाले बाउंडेशन लगाते हैं, फैमिली वाले रोक टोक करते हैं, कहीं जाने नहीं देते। तो डियर बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, समझ रहे हैं? आपको बहुत जल्द फ्रीडम मिलने वाली है, आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है, जितने भी बंधन हैं वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, आपने क्या किया, हम नहीं जानते, पर आपने कुछ पॉजिटिव सा किया है जिसका ये परिणाम है कि बहुत जल्द आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है।
समझ रहे हैं? तो ट्रस्ट करिए ईश्वर पर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा बहुत जल्द होने वाला है। किसी के एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वेट करते रहिए। विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आपको आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल जाएगा। आप कहेंगे कि कैसे मिलेगा, वो इतना लड़ाकू है, इतना रूड है, इतना इमेच्योर है, आपकी फीलिंग्स नहीं समझता, आपके जज्बात नहीं समझता, बात बात पर बदतमीजी करता है और इतना ज़्यादा झगड़ा करता है, लड़कर आपसे दूर हो गया है। कोई बात नहीं, अकल ठिकाने लगने वाली है, बहुत जल्द वो आपके पास आने वाला है। खुद पर विश्वास नहीं है, अपने प्यार पर विश्वास नहीं है? जिसे आपने इतना प्यार दिया है वो आपके बिना कैसे रह सकता है? कुछ दिनों तक रह लेगा पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। क्योंकि पहले इमेच्योर था लेकिन अब उसके अंदर परिपक्वता आ चुकी है। अब उसके अंदर समझदारी आ गई है, मेच्योरिटी आ गई है, आपके प्यार को समझने लगा है, इसलिए जल्दी आपके पास आने वाला है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए आपके करियर में आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपको थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है। आप ना बात बात पर निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो थोड़ा ऐसा मत किया करिए, समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, या आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है कि आपको सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है, समझदारी से, लोगों पर ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना है, समझ रहे हैं? कौन क्या बोल रहा है उसके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, उसकी इंटेंशन पर ध्यान दीजिए कि वो किस इरादे से बात कर रहा है। मीठी मीठी बातों में खोने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।